कुछ टाइम पहले बॉलीवुड एक पोस्टर रिलीज करता है विक्रम वेदा। बाद में पता चलता है कि हमें एक रीमेक होने वाला है। वेल जो भी हो, पर मैं उस पोस्टर को देखकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया था और मैंने इस मूवी के बारे में काफी जगह पढ़ा और बहुत बहुत अच्छी रिव्यू मिले। तो इस मूवी को देखने के बाद मुझे समझ में आता है कि लोग इतनी ज्यादा बड़ाई क्यों कर रहे थे इस मूवी की। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं विक्रम वेदा का और साथ ही पता लगाने वाले हैं कि आखिर इस मूवी में ऐसा क्या है जो इसको काफी ज्यादा फेमस बना रहा है। पूरी मूवी में माहौल खींचा है विजय सेतुपति में। लिटरली आप बोल सकते हो विजय सेतुपति स्टील द शो। ये मूवी लिटरली साउथ इंडिया इंडस्ट्री का क्लास दिखाती है। इस मूवी के साथ तमिल सिनेमा लिटरली अपने हाई पॉइंट पर पहुंच जाती है। तो ये जो मूवी की स्टोरी होती है वो एक पुलिस वाले और एक गैंगस्टर के इर्द गिर्द घूमती होती है। इस मूवी में स्टोरी को दो अलग अलग तरीके से बताया गया है, एक गैंगस्टर के प्रोस्पेक्टिव से और एक कॉप के प्रोस्पेक्टिव से, जिनके अपने अलग ही पहलू होते हैं। आपको स्टोरी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखते हैं। इसकी स्टोरी इतनी अच्छी और थ्रिलर से भरपूर होती है कि आप घंटों बाद भी सोचते हैं कि आखिर क्या था ये। मैंने बहुत सारी इंडियन बॉलीवुड मूवीज देखी है बट इस मूवी का जो क्लाइमेक्स है मुझे बहुत अच्छा लगा। अब बात करते हैं एक्टर्स की जो कि इस मूवी की जान है। आपको इस मूवी मिलते हैं दो बहुत ज्यादा फाइनेस्ट एक्टर विजय सेतुपति एंड आर माधवन, जिन्हें विक्रम और वेदा का नाम दिया गया है। मूवी में अगर आर माधवन की एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग मिलती है उनसे हमको, जिन्होंने विक्रम का रोल किया है। और साथ ही वेदा वेताल जो की है विजय सेतुपति बिल्कुल ध्यान नहीं भटकने देता आपका स्क्रीन से। अगर इस मूवी के हाइलाइट की बात की जाए तो वेदा की नेचुरल एक्टिंग। वेल अगर ऑनेस्टली बोलूं तो मैं पहले विजय सेतुपति को जानता नहीं था। हाँ, इससे पहले मैंने उनकी 203 मूवीज देखी थी। हाँ, उनकी एक्टिंग को एडमायर तो किया था बट उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था लिटरली। बट इस मूवी के बाद मैं लिटरली उनका फैन बन गया। तो आप लोगों ने बचपन में विक्रम और वेताल की कहानी तो जरूर सुनी होगी और जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है आपको विक्रम और वेताल की बहुत ज्यादा एंगेजिंग स्टोरी मिलती है और मूवी के 15 मिनट बाद आपको समझ में आता है कि इस स्टोरी को क्यों बताया गया था। इस मूवी में जो आर माधवन का कैरेक्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा सिंसियर डेडिकेटेड सीरियस टाइप का होता है, जो कि एक कॉप होता है और बुरे लोगों को मारकर वो जस्टिस करता है। लिटरली यहाँ पे वो कैरेक्टर धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस खोता हुआ दिखाई देता है और समझता है कि कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं है। और यहाँ पे हमें दिखता है कि हर किसी के पास अपना एक जस्टिफिकेशन होता है उनके एक्ट के लिए, चाहे वो एक्ट अच्छा हो या फिर बुरा हो। और यहाँ पे जो वेदा का कैरेक्टर होता है वो एक गैंगस्टर कैरेक्टर होता है जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और उसकी वो ग्राउंड लेवल से इतने बड़े गैंगस्टर बनने की जो जर्नी दिखाई जाती है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। यहाँ पे जो वेदा का कैरेक्टर होता है वो एक तरीके से मिस्टीरियस बुक टाइप का होता है। जैसे जैसे उस बुक के पन्ने खुलते जाते हैं आपको बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग चीजें पता चलने लगती है। वेदा का जो कैरेक्टर होता है वो बहुत ज्यादा मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर होता है और यहाँ पे वेदा जो वेताल की तरह स्टोरीज बताता है, साथ ही स्टोरीज में बहुत ज्यादा फ्लैशबैक्स होते हैं जो कि वेदा की लाइफ को अनफोल्ड करते हैं। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे वो लगता है जब वेदा विक्रम से पूछता है कि क्या ये सही था या गलत था। और वेदा यहाँ पे जो स्टोरीज बता रहा है वो बहुत सारे इंसिडेंट्स के साथ कनेक्ट होती है और जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड होती जाती है और आपको चीजें पता चलती है अंदर की, आप लिटरली शॉक होते हैं। और सेम ही कुछ विक्रम के साथ भी ऐसा ही हो रहा है और वो अपने तरीके से जूझता हुआ दिखाई देता है। और वो सभी जो स्टोरीज होती है वो कवर करती है बिट्रेल को, क्या गलत है क्या सही है, इमोशन, फैमिली, एक गैंगस्टर की क्या लाइफ होती है, सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है। और जो स्टोरीज होती है इसमें बहुत छोटे छोटे क्लूज होते हैं जो कि लिटरली एक पजल का काम करती है और जो पजल जुड़ती है तो आपके होश उड़ जाते हैं। तो लास्ट मैंने जो इंडिया की थ्रिलर वाली सबसे अच्छी मूवी देखी थी वो थी दृश्य, और जिस लेवल का मुझे थ्रिलर महसूस हुआ था उस मूवी को देखते हुए सेम इस मूवी में मुझे फील करने का मौका मिलता है। इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें मूवी में दिखाए जाते हैं फिर भी ये मूवी लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़कर जाती है कि आगे क्या हुआ। वेल ये मेरी तरफ से बहुत ज्यादा रिकमेंडेड मूवी है और मुझे देखने के बाद समझ में आता है कि बॉलीवुड में इस मूवी को क्यों पिक किया। वेल उस मूवी को छोड़ो, आपको विक्रम वेदा यूट्यूब पर फ्री पर मिल जाएगी। जाओ देखो, एंजॉय करो और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।